सनसनी ऑफ इंडिया। दक्षिण पूर्व जिले की एंटी नारकोटिक्स सेल की टीम ने एक ऐसी महिला ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसका पूरा परिवार ड्रग तस्करी के धंधे में शामिल है। ड्रग तस्कर महिला का पति एक हफ्ते पहले ही ड्रग तस्करी के एक मामले में जेल से जमानत पर बाहर आया है और वहीं भाई भी पिछले एक साल से ड्रग तस्करी के आरोप में जेल में बंद है। नंदोई भी ड्रग तस्करी करते करते मर गया, लेकिन इस परिवार ने सुधरने की बजाय ड्रग तस्करी का धंधा नहीं छोड़ा। गिरफ्तार महिला की पहचान हजरत निजामुद्दीन इलाके की निजाम नगर बस्ती निवासी 41 वर्षीय रशीदा बेगम के रूप में हुई है। महिला के पास से 50,000 कीमत की 49 ग्राम हेरोइन बरामद हुई है। दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे का ऑपरेशन संरक्षण के तहत अपने जिले में क्रिमिनलों को क्लियर व कड़ा मैसेज है कि क्राइम छोटा हो या बड़ा, क्रिमिनलों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। क्रिमिनल अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल दें कि अपराध करके वो बच जाएंगे। क्राइम को अंजाम देने वाले क्रिमिनल के साथ साथ क्राइम में क्रिमिनल की मदद करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दक्षिण पूर्व जिले में हजरत निजामुद्दीन थाना इलाके की निजाम नगर बस्ती में एक परिवार ने ड्रग बेच बेचकर इलाके में गंद मचा रखा है। हालांकि स्थानीय पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीमें इस परिवार से जुड़े कई सदस्यों को ड्रग बेचते हुए गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है, लेकिन यह परिवार जैसे सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। इस परिवार का एक सदस्य जेल जाता है तो कुछ समय बाद इसी परिवार का कोई दूसरा सदस्य इलाके में ड्रग बेचना शुरू कर देता है। पुलिस ने कुछ समय पहले इलाके में ड्रग तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करते हुए अब्दुल मलिक को गिरफ्तार करके जेल भेजा था, लेकिन कुछ समय बाद ही अब्दुल मलिक की पत्नी रशीदा बेगम इस धंधे में उतर आई। हजरत निजामुद्दीन इलाके की निजाम नगर बस्ती से ड्रग बेचने के आरोप में अब्दुल मलिक के गिरफ्तार होने के बाद भी दक्षिण पूर्व जिले की एंटी नारकोटिक सेल ने निजाम नगर बस्ती में मुखबिरों को एक्टिव कर रखा था, क्योंकि एंटी नारकोटिक सेल को पूरा शक था कि यह परिवार नहीं सुधरेगा। एंटी नारकोटिक्स सेल का शक सही निकला। सेल को मुखबिरों से इन्फॉर्मेशन मिली कि अब अब्दुल मलिक की पत्नी रशीदा बेगम ड्रग तस्करी के धंधे में उतर आई है। ड्रग पेडलर्स रशीदा बेगम को दबोचने के लिए दक्षिण पूर्व जिले की DCP ऐशा पांडे ने मनोज सिन्हा ACP ऑपरेशन की देखरेख व इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर के नेतृत्व में SI अमित ग्रेवाल, ASI सुलेमुद्दीन, हेड कांस्टेबल तारिक हिदायत और महिला हेड कांस्टेबल सरिता की एक टीम का गठन किया। टीम ने ड्रग पेडलर्स रशीदा बेगम पर नजर रखनी शुरू कर दी। दिनांक 28 अगस्त 2022 को टीम को स्थानीय मुखबिर ने इन्फॉर्मेशन दी कि रशीदा बेगम हजरत निजामुद्दीन इलाके की निजाम नगर बस्ती के पास एक अज्ञात व्यक्ति को ड्रग बेचने के लिए आएगी। सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलते ही इंस्पेक्टर राजेंद्र सिंह डागर ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर निजाम नगर बस्ती के आसपास जाल बिछाया। कुछ देर बाद टीम ने रशीदा बेगम को हाथ में एक थैला उठाए सस्पेक्ट तरीके से इलाके में घूमते हुए देखा। रशीदा बेगम टहलते टहलते निजाम नगर बस्ती की डिस्पेंसरी के पास आकर खड़ी हो गई। मुखबिर के शो करने पर कि यही ड्रग तस्कर रशीदा बेगम है और इसी डिस्पेंसरी के पास किसी को ड्रग बेचने आई है, तो टीम ने तुरंत उसे पकड़ लिया। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास 49 ग्राम हेरोइन से भरी काले रंग की पॉलीथिन मिली। पूछताछ करने पर उसकी पहचान हजरत निजामुद्दीन निवासी 41 वर्षीय रशीदा बेगम पत्नी अब्दुल मलिक के रूप में हुई। आरोपी महिला के खिलाफ थाना हजरत निजामुद्दीन में FIR संख्या 263/22 धारा 21, 61/85 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। पूछताछ में आरोपी महिला रशीदा बेगम ने बताया कि वो मात्र तीसरी कक्षा तक पढ़ी लिखी है। उसके परिवार में सभी इसी धंधे में लगे हुए हैं। हाल ही में पति के गिरफ्तार होने के बाद उसके पास पैसे की तंगी आ गई थी। उसको कोई और काम करना नहीं आता है, इसलिए जल्दी पैसा कमाने के लालच में पति के गिरफ्तार होने के बाद खुद उसने भी इलाके में हेरोइन की सप्लाई शुरू कर दी थी। आरोपी महिला ने बताया कि वो पहली बार इस धंधे में आई है, इससे पहले उसका भाई, नंदोई और पति ड्रग तस्करी का धंधा करते आ रहे थे। सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क। क्राइम कहीं भी और क्रिमिनल किसी भी भेष में हो सकता है। रहे हर पल चौकस और हाँ, क्राइम की खबरों से अपडेट रहने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। दिन के उजाले में और रात के अंधेरे में हर अपराध पर है हमारी कड़ी नजर। जुर्म की हर खबर से कराएंगे आपको रूबरू। देखना न भूलें सनसनी ऑफ इंडिया। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या,
तो कहीं हत्या, कहीं साजिश, तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। देखें हर रोज रात 10:30 बजे सनसनी ऑफ इंडिया।